बच्चों, जैसा कि हमें पता है कि हमारा जो देश है इंडिया, वो बहुत बहुत बड़ा है। यानी कि हमने कितना पढ़ा था, 3.287 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो है वो हमारे देश का एरिया है। हमारे देश में 6 लाख से भी ज़्यादा गांव हैं, और हमने ये भी पढ़ा था कि हमारे देश में 4,000 शहर हैं, है ना। तो अब हम जो है चैप्टर पढ़ रहे हैं हम गांव का प्रशासन। तो हमें पता है कि जो हमारा देश है उसमें देखिए, हमें हमने देखा कि जो पटवारी है उसे लैंड रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। अब वो सारा काम खुद थोड़ी ना करता होगा, इतने सारे विलेजेस हैं तो कैसे कैसे काम होता है हम देखते हैं, ठीक है। तो जो हमारा देश है, इतना बड़ा देश है, उसमें कितने ही गांव हैं, अब सबके जो लैंड रिकॉर्ड हैं हम कैसे मेंटेन होते हैं ये हम देख रहे हैं। तो जो हमारा जो इंडिया है वो डिवाइडेड है बहुत सारी स्टेट्स में, बहुत सारे राज्यों में डिवाइडेड है। 28 राज्य हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। और जो हमारा जो राज्य है, 28 राज्य, वो बहुत सी डिस्ट्रिक्ट्स में बटे हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट्स यानी कि जिले में, ठीक है, बहुत से जिलों में बटे हुए हैं जो हमारी जो राज्य है। और वो जो जिले हैं, वो जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो बहुत सी तहसील में बटी हुई है। अब तहसील या तालुका, तहसील में बहुत से क्या आते हैं, विलेजेस आते हैं, बहुत से गांव आते हैं, मतलब बहुत से गांव बना मिलाकर एक तहसील बनती है, बहुत सी तहसीलें मिलाकर एक डिस्ट्रिक्ट बनती है, बहुत सी डिस्ट्रिक्ट मिलाकर एक स्टेट बनती है, और बहुत सी स्टेट्स मिला के बन जाता है हमारा प्यारा भारत, है ना। तो अब हम यही देख रहे हैं, यही देखना चाह रहे हैं कि जो ये जो हमारा जो डिविजन है जो हमने किया है कि किस किस तरह से विलेजेस के ऊपर तहसील होती है और तहसील के ऊपर डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं, उनमें किस तरह जो है और कौन लोगों को जो है सरकार ने जिम्मेदारी दे रखी है लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने की और उन्हें देखने की कि लैंड रेवेन्यू यानी कि जमीन का जो कर है वो समय पर इकट्ठा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब का ध्यान कौन रखता है। तो हमें पता है कि विलेज लेवल पर यानी कि गांव में तो काम करता है हमारा पटवारी, लेकिन तहसील में और डिस्ट्रिक्ट में कौन काम करता है ये इसके बारे में हम जान रहे हैं। तो हमारे तहसील में काम करता है एक ऑफिसर जिसका नाम होता है तहसीलदार, और ऊपर होता है डिस्ट्रिक्ट में होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी कि जिला अधिकारी। तो हम इन दोनों इन तीन तीनों के बारे में, पटवारी, तहसीलदार और जिलाधिकारी के बारे में जो है हम जानेंगे, अगले अगले जो स्लाइड है उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। भारत में सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं। जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। तो ये जो हमें लैंड रिकॉर्ड्स बनाने हैं, इनको इनकी सही से व्यवस्था करने के लिए, जमीन से जुड़े मामलों के को जो है अच्छे से रखने के लिए, अच्छे से रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, जो हमारे जो जिला है उसे हम और कई छोटे खंडों में बांट देते हैं। जिले के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे तहसील, तालुका इत्यादि। मतलब डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे तहसील होते हैं, उससे छोटा होता है तहसील। सबसे ऊपर जिला अधिकारी होता है और उसके नीचे तहसीलदार होता है होते हैं। उनके विभिन्न मामलों को निपटाना होता है, उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। तो जैसे कि हमने बात करी कि सबसे ऊपर होता है जिला अधिकारी, जो कि होता है तहसीलदार के ऊपर का, और पटवारी के ऊपर काम करता है तहसीलदार। तो यानी कि पटवारी पटवारी की निगरानी रखता है तहसीलदार, और तहसीलदार के ऊपर होता है जिला अधिकारी। वे पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं, और राजस्व यानी कि विभिन्न तरह के जो कर होते हैं, जो टैक्स होते हैं, वो इकट्ठा होते रहे होता रहे। तो मतलब ये जो हमारा जो हमारे जो तहसीलदार है और जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है यानी कि जो जिला अधिकारी है, वो निगरानी रखते हैं पटवारी पर कि वो सही से लैंड रिकॉर्ड बनाए, ठीक है, और उनके नक्शे बनाए, और साथ ही साथ वो किसानों से तरह तरह के लैंड जो कर होते हैं, जैसे कि कोई एक होता है जमीन कर, यानी कि जो लैंड
पर टैक्स लगता है, लैंड रेवेन्यू कहते हैं जिसे, वो पटवारी जो है वो इकट्ठा करता रहे सही से, ठीक है। वे यह भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए, मतलब ये जो तहसीलदार है और जो हमारा जिला अधिकारी है वो ध्यान रखते हैं कि जो पटवारी है वो समय आने पर जब जरूरत पड़े तो वो किसान को उसकी लैंड की जो कॉपी है, उसके लैंड रिकॉर्ड का जो की जो नकल है वो उसे दे दे। वे विद्यार्थियों को जरूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि भी जारी करते हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट है, कोई विद्यार्थी है और उसे जाति प्रमाण पत्र चाहिए अपना, तो उसे भी वो दे देते हैं। तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवाद के मामले सुने जाते हैं। तो ये जो हमारा तहसीलदार का एक ऑफिस होता है, हर तहसील में एक ऑफिस होता है तहसील तहसीलदार का, जिसमें तहसीलदार बैठता है, पटवारी के काम पर निगरानी रखता है, और ऐसे जैसे रघु और मोहन के बीच जो झगड़े हुए जमीन को लेकर, कि रघु ने मेड़ को आगे बढ़ा दिया और जिससे कि मोहन की जमीन पर अब रघु ने अपना कब्जा कर लिया, तो इस तरह के जो जमीन के मामले हो जाते हैं, जो झगड़े हो जाते हैं, उन्हें सॉल्व करने के लिए, उन्हें निपटाने के लिए भी तहसीलदार ऑफिस में जो है विवाद वाद विवाद होते हैं और एक नतीजे पे पहुंचा जाता है। कैसे? तहसीलदार पटवारी को बुलाएगा, पटवारी से कहेगा कि लैंड रिकॉर्ड की कॉपी लाके दो, कॉपी लाके देगा, फिर वो मेल खाकर मिलाकर देखेंगे कि असल में जो हमारे पास जो लैंड है, जो खेत है, क्या उसका नाप बराबर आ रहा है रिकॉर्ड के नाप से। तो अगर नाप खा मेल खा जाएगा तो कोई गड़बड़ नहीं है, झगड़ा ही खत्म, बेबुनियाद इल्जाम था। लेकिन अगर मेल नहीं खाता है तो मतलब किसी ने तो घपला किया है, यानी कि पता चल जाएगा कि रघु ने सच में मेड़ को आगे बढ़ाया था। तो ऐसे करके मोहन को मोहन की जमीन वापस मिल जाएगी और उसे न्याय मिल जाएगा।